कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाय तर वर फलय केतक सींचो नीर। सभी छात्र छात्राओं को आज के इस प्रीमियर क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हफ्ता में एक दिन हम लोग या तो सैटरडे को या संडे को नियमानुसार प्रीमियर क्लास हम लोग करते हैं, तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ अध्याय एक, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इससे आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अर्थात वैसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, वैसे क्वेश्चन का हल आज हम लोग करेंगे, हम सभी मिलकर करेंगे। तो चार क्वेश्चन का सेट यहाँ दिया हुआ है और नियम आप लोग समझते हैं कि चारों क्वेश्चन का आंसर एक साथ ही चैट में करना है, क्योंकि इस प्रीमियर क्लास में नीचे चैट बॉक्स खुला होता है, तो उसमें आप लोगों को चैट करना है। और हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें आराम से पढ़ाई करनी है, धीरे धीरे पढ़ना है, समझ के साथ पढ़ना है, जो पढ़ना है उसे सहेजते हुए चलना है, ताकि हम लोग अपने लक्ष्य को, अर्थात 80+ 90+ वाले लक्ष्य को हम लोग पार कर सकें। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याओं में समाहित होती हैं, अर्थात वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों। तो जो उचित लगे आप अभी सेलेक्ट कीजिए और चारों का आंसर एक साथ चैट बॉक्स में डालना है, चारों क्वेश्चन का। हम आप लोगों को 20 सेकेंड देंगे, उसी के अंतराल में आपको आंसर कर देना है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कौन कौन सा होता है, कैसा होता है, तो यहाँ दिया हुआ है शांत, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी यहाँ कर दिया जाए, एक आवर्ती एक अनावर्ती कर देते हैं, चलिए ठीक है आवर्ती, और सी है अनवसानी आवर्ती और शांत दोनों। डी में कुछ भी हो सकता है, अनवसानी अनावर्ती भी हो सकता है, जगह स्थान के अभाव में हमने चौथा ऑप्शन नहीं लिखा है। तो जो उचित लगे आपको परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में ए बी सी में से कोई एक चैट करें। तो तीसरा क्वेश्चन अब है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, अर्थात अपरिमेय संख्याएं जो हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। यहाँ हमारा विकल्प है शांत, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती, डी में और भी कुछ हो सकता है, तो इसमें जो उचित हो आप कीजिए। चौथा क्वेश्चन, परिमेय संख्या पी बटा क्यू में क्यू का निम्न स्वरूप, इसके शांत दशमलव प्रसार, इसका शांत दशमलव प्रसार नहीं होता। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन है शांत दशमलव प्रसार नहीं होता, तो 2 to the power m, 5 to the power n, 2 to the power m into 5 to the power n, और यहाँ है 2 to the power m बटा 5 to the power n। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी बुक के थ्योरी वाले कंसेप्ट से सिलेक्ट करके हमने लिखा है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए 20 सेकंड आपका प्रारंभ होता है, आप देखिए और ए का बी दो पहला दूसरा तीसरा चौथा का आप लोग आंसर इस तरह से आप लोगों को करना है। जैसे पहला का हो गया तो कुछ भी हो ए, दूसरा का एक्स, तीसरा का वाई, चौथा का जेड, इस तरह से करके सेंड कर दीजिए, यहाँ कोमा दे देके सब एक लाइन में लिख के भेज देना है। और अब हम इसका आंसर करेंगे, समझेंगे, जो समझने वाला होगा, जहाँ डिस्कस करने वाला होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो प्रीमियर क्लास है इतना आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक ही बन जाएगा इस अनोखी पाठशाला वाले चैनल पे। जो परीक्षा में देखिएगा, जितना भी प्रीमियर क्लास है लास्ट में परीक्षा के समय आप मिलाइएगा, इसी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से घुमा फिरा के आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा समय है, इसीलिए हमने शुरू में कहा कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर,
अर्थात हमें अधीर नहीं होना है, धीरे धीरे बढ़ते जाना है और पढ़ाई करना है, हमें समझ के साथ करना है। चलिए हो गया समय, अब हम लोग कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, अनवसानी आवर्ती और शांत दोनों दो तरह का होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, अनवसानी अनावर्ती, क्योंकि ये तो दोनों हो गया परिमेय का, तो जाहिर है कि अपरिमेय का यही होगा। परिमेय संख्या में पी बटा क्यू, क्यू अर्थात हर का निम्नलिखित स्वरूप इसका शांत दशमलव प्रसार नहीं होता, नहीं है, तो इसमें दशमलव प्रसार शांत होगा, इसमें भी शांत होगा और q का स्वरूप ये भी रहेगा 2^(n)^5^(n), तो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो ये जो स्थिति है, अगर इस तरह की स्थिति रहे तो 2^(5)^m फ्रैक्शन में हमने दे दिया है, तो ये शांत दशमलव प्रसार को नहीं दर्शाता है। तो चलिए आइए इसे हटाया जाए और अगला चार क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। चार क्वेश्चन का सेट फिर आएगा आप लोगों के सामने, आप लोग आंसर करेंगे। ये चार क्वेश्चन और आ गया, सेट आ गया। यहाँ क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ए है LCM गुना HCF, बी है LCM जोड़ HCF और सी है LCM बटा HCF। तो जो लोग कंसेप्ट को समझते हैं वो समझ रहे होंगे, अपना आंसर करेंगे। छः नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू जोड़ आर, ये हम लोग जानते हैं, में r का परास है अर्थात r का रेंज क्या है, किसके किसके बीच होता है। a है 0 <r>b, b है 0 <r>b, c है 0 <r>b और d है 0 <r>b। तो जो उचित है आप कीजिए, ये बहुत आसान है, लेकिन जब ऑप्शन मिलता है, विकल्प मिलते हैं सभी एक जैसे, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आज इसे क्लियर करना है। सातवां नंबर, 6^n शून्य पर समाप्त होगा, मतलब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि कोई संख्या शून्य पे समाप्त कब होती है, इसके लिए एक कंसेप्ट है। तो जहाँ n प्राकृत संख्या है, तो क्वेश्चन है कि क्या, मतलब समझा जाए क्या शून्य, क्या 6^n शून्य पर समाप्त होगी अथवा नहीं होगी। हाँ, नहीं, सी है कुछ कहा नहीं जा सकता, तीन ही ऑप्शन है। आठवां नंबर क्वेश्चन, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, कैसा होगा, शांत होगा, अशांत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, या अशांत अनावर्ती होगा। तो इस तरह से चार क्वेश्चन है, 20 सेकंड आप लोगों के पास समय है, इसके बाद हम आंसर कर देंगे। एक दो क्वेश्चन इसमें समझाने वाला है, 6 नंबर और ये 7 नंबर आपको समझाया जाएगा। जल्दी किए लिखा जाए चैट जिस तरह से था, जैसे 5 का x, 6 का y, 7 का z, 8 का k, इस तरह से कोमा देके चैट कर देना है जो भी होगा। देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि एक प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, हम लोग ये देख पाते हैं कि हम लोग कितना आंसर कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, और उसके अनुसार पढ़ने की प्रतिस्पर्धा हमारी बढ़ती जाती है, पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ता जाता है इस प्रतिस्पर्धात्मक भाव में। तो आइए 20 सेकंड हो गया, अब हम लोग एक एक कर समझते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उसके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसमें होगा ए। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर रिमाइंडर है, शेषफल है आर, तो शेषफल कभी भी देखेंगे कि इसका परास क्या है, आर का रेंज क्या है, तो 0 <r>, आर जो है 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है, किंतु b से कभी भी बड़ा नहीं होता।
किंतु बी से कभी भी बड़ा नहीं होता, तो यहाँ होगा बी। ये आर जीरो जीरो जो है आर के बराबर है और जीरो छोटा है, अर्थात आर जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर भी है, हो सकता है, किंतु बी से हमेशा छोटा होता है। तो ये होगा यहाँ बी। सिक्स टू दी पावर एन शून्य पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ होगा नहीं होगी, क्योंकि कोई भी संख्या शून्य पे तब समाप्त होती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड जब किया जाए तो उसमें कम से कम एक दो हो और कम से कम एक पाँच हो, किंतु यहाँ सिक्स का जब अभाज्य गुणनखंड छः का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो दो गुना तीन, छः का पावर जब n के जगह पर दो करते हैं तो दो गुना तीन गुना दो गुना तीन करते जाएंगे, दो तो हमें मिलेगा किंतु पाँच कभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आठवां नंबर, छः बटा पंद्रह का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, तो यहाँ हम लोग देखते हैं छः बटा छः को हम दो गुना तीन लिख देंगे, पंद्रह को लिख देंगे तीन गुना पाँच, तो तीन से तीन कट गया, ऊपर क्या है इससे मतलब नहीं है, नीचे है पाँच का पावर एक जो फाइव टू दी पावर एन के रूप में है, अर्थात यह शांत दशमलव प्रसार होगा, तो यहाँ हम करेंगे आठ का ए। अब आइए और चार क्वेश्चन का, बहुत ही इम्पोर्टेंट चार प्रश्नों का सेट हम लोग देखते हैं, आप लोग आंसर मिला लेंगे कौन सही है कौन नहीं है, और जो समझ में नहीं आया होगा आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। तो चलिए, जो लोग नए हैं वो या जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और लाइक करना नहीं भूलेंगे, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे वो सभी लोग लाइक ज़रूर कर लेंगे। तो आइए, क्वेश्चन का तीसरा सेट हम लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है चार घटाव रूट तीन है, मतलब कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है पूर्णांक है भिन्न है, जो उचित लगे आप आंसर कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। बहुत बार ये जितना भी यहाँ प्रश्न आप लोगों को दिया जा रहा है सभी प्रश्न कम से कम दो बार तीन बार चार बार एक बार परीक्षा में आ चुके हैं, तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो यहाँ ए है 36 बटा 14 होल अंडर रूट 1 बटा 9 अंडर रूट 18 बटा 8 और अंडर रूट 3 बटा 5, जो उचित लगे आप आंसर कीजिए अपने समझ के अनुसार, इसमें अपरिमेय हम लोगों को चुनना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो और यहाँ विकल्प ए है केवल एक, बी दो, सी तीन और डी अनेक, जो आपको सही लगे आप चैट कीजिएगा। उसी तरह से चारों क्वेश्चन का एक ही साथ करना है। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो ए है रूट थ्री प्लस टू, बी है रूट फाइव माइनस फोर, सी है रूट एट और डी है रूट नाइन, जो भी आपको सही लगे कि कौन इसमें से परिमेय है आप आंसर कीजिए, आपके पास 20 सेकंड का समय है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और संयम के साथ आप लोग चैट कीजिए, गलत हो जाए कोई बात नहीं है, गलती करके ही हम लोग सीखते हैं, मैं तो बार बार यही बोलता हूँ, हमें सीखना है तो गलत होगा ही, और कहा भी गया है, सुनते रहिए और सीखते रहिए, कहा भी गया है कि जिसने कभी कोई गलती न की समझो उसने कुछ नया नहीं किया, तो जो नया करेगा जो अधिक करने की कोशिश करेगा गलती तो होगी ही, क्योंकि हम गलती करके ही सीखते हैं। आइए, 20 सेकंड हमारा हो गया, आंसर हम लोग कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, 4 माइनस रूट थ्री क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या
चार है और अपरिमेय संख्या रूट तीन है। और हम जानते हैं कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए तो जो रिजल्ट होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, हमें अपरिमेय सिलेक्ट करना है। तो देखा जाए यहाँ, ये तो हो गया 36 का 6 और यहाँ हो गया 8, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 9 × 2 = 18, 4 × 2 = 8, अर्थात ये रूट में है तो 3/2। तो यहाँ यहाँ और यहाँ कहीं भी रूट हमें दिखाई नहीं दे रहा है और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या पाई को छोड़ के सभी अंडर रूट में होती हैं। अब ये जो है तो 5 × 3 = 15, 1/5, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये जो d है ये अपरिमेय होगा। समझ गए होंगे आप लोगों ने कैसे। अब 11 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ आंसर होगा d, इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। 12 नंबर, ये 9th क्लास का ही क्वेश्चन है किंतु 10th में 2-3 बार पूछ चुका है। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, अब परिमेय कौन है। तो हम जानते हैं कि यहाँ अपरिमेय और परिमेय मिलके अपरिमेय बनाएगा, अपरिमेय और परिमेय घटा के अपरिमेय ही बनेगा। यहाँ अंडर रूट 8 है तो ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि अंडर रूट 8 है तो 2√2 कर देंगे तो रूट में ही है यहाँ। लेकिन 9 जो है ये 3 होगा तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी ये चारों जो क्वेश्चन है समझ आ गया होगा। अब आप लोगों के सामने फिर 4 क्वेश्चन का हम सेट लाते हैं, आप लोग अपना तब तक चैट में आंसर आप लोग मिलाइए और जो लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर लेंगे और सब्सक्राइब तो करना ही है तभी आप लोगों के पास जो भी महत्वपूर्ण वीडियो एग्जाम आते आते मैं इतना वीडियो दे दूंगा, इतना मोटिवेशन कर दूंगा आप लोगों का कि आप लोग पढ़ने के प्रति जागरूक हो जाएंगे, खूब पढ़ेंगे और रिजल्ट वही 80+। तो चलिए आइए आगे 4 क्वेश्चन का और सेट देखा जाए, आइए शुरू करें इस सेट को। अब क्वेश्चन नंबर है 13, 5, 15 और 20 का LCM और के LCM और HCF का अनुपात होगा, अर्थात पहले LCM निकालेंगे फिर HCF निकालेंगे और LCM/HCF करेंगे। यहाँ समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ LCM/HCF निकालिएगा और इसके बाद अनुपात निकाल लेना है। तो अगला क्वेश्चन, ऑप्शन है 12:1, 1:12, 9:1 और 1:9, जो उचित लगे आप अपने स्वविवेक से, पेन कॉपी होगा आपके पास आंसर कीजिए। क्वेश्चन 14, संख्या x और 18, अर्थात हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक अननोन है अज्ञात है x और दूसरी है 18 का LCM 36 दिया है और HCF 2 दिया हुआ है तो हमें x बराबर अर्थात जो अज्ञात संख्या है ज्ञात करना है। तो जिसे चारों में संबंध की जानकारी होगी वो लोग इसे ज्ञात कर लेंगे, नहीं होगी मैं बताऊंगा। चलिए आंसर विकल्प है 1, बी है 4, सी है 3, डी है 2, जो उचित होगा आप चैट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि x तथा y दो अभाज्य संख्याएं हैं तो HCF क्या होगा, अर्थात इसे क्वेश्चन अलग तरह से भी आ सकता है कि अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। तो 0, 1, 2 कुछ भी, इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, 15x²y तथा 20xy² का HCF होगा, मस क्या होगा। तो A है 5xy, B है xy, C है x²y² और D है 300x³y³।
जो सही हो आप कीजिए। 20 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है, इसको निकालिए देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधान रहेंगे आप लोग, क्योंकि पहले एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे। चलिए किया जाए, 20 सेकंड आपका समय है। दस सेकंड बचा समय, कर लिया जाए जल्दी से। चलिए समय हो गया, आशा है आप लोगों ने कर लिया होगा। तो यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं, यहाँ से प्रारंभ किया जाए। 5, 15 और 20 का एलसीएम, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम देखेंगे। इसका एलसीएम होगा 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60 और ये भी 60 को विभाजित करेगा तो ठीक है। और इसका एचसीएफ हो जाएगा 5, एचसीएफ 5 होगा। तो हमने जब किया यहाँ तो 12/1, तो 12:1 ये हमारा सही आंसर होगा, 12:1, 12:1। क्वेश्चन नंबर देखा जाए यहाँ 14 नंबर, संख्या x और 18 संख्या है। एलसीएम दिया हुआ है 36 और एचसीएफ 2, तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या ज्ञात करना हो तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा जो संख्या दी गई है वो यहाँ संख्या हो जाएगी। तो ये दिया है 36 × 2/1 संख्या दिया है 18, तो ये हो जाएगा 18 × 36, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ संख्या 1 और 18 का एलसीएम 36 और एचसीएफ 2 है, तो यहाँ ऑप्शन होगा 4, 14 का 4 आंसर होगा, इस पे हम चिन्ह लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15, यदि x तथा y दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं, तो इसका एचसीएफ बताएं। तो अभाज्य संख्या कितनी भी हो, अभाज्य संख्याएँ उनका एचसीएफ 1 होता है, बी होगा, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, ये याद रखिएगा, या जानते हैं तो बहुत बढ़िया है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ कंसेप्ट के लिए ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये हम अपने से नहीं बनाए हैं। 15x² y और 20x² xy², तो ऐसे क्वेश्चन में उभयनिष्ठ निकालेंगे क्या है, तो 15x² y और 20x² में कौन कौन सा उभयनिष्ठ है, तो एक 5 है, 5 × 3 = 15, 20 × 5 = 6, 5 है, एक x है, एक y है, इसमें बच जाएगा 3x और इसमें बच जाएगा 4y। तो क्या बचा, इससे मतलब नहीं है, हमारा उभयनिष्ठ क्या निकला वही हमारा आंसर होता है, वही एचसीएफ होता है, तो 5xy हमारा आंसर उचित होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज इस 26-27 मिनट के क्लास में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोगों का बहुत ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और ऐसा हमेशा होता रहेगा। हम मैथ या साइंस को हमेशा लेके आते हैं, एक चैप्टर उठाते हैं, जितने महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और सैटरडे या संडे को प्रीमियर क्लास चलाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये इतना अमृत जैसा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो कर लेगा, समझिए कि एनसीईआरटी बुक का कंसेप्ट समझ गया है, और जो कंसेप्ट समझ जाएगा उसके लिए लॉन्ग आंसर कुछ भी नहीं है। एक बात समझ लीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है लॉन्ग आंसर में वो कभी नहीं फंसेगा। तो ये हम लोगों का आज का क्लास इतने ही क्वेश्चन पे, 16 क्वेश्चन है, हम लोग समाप्त करते हैं, और क्वेश्चन आप लोग इसमें देखिएगा,
कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं आएगा, कमेंट में भेजिएगा, किसी प्रीमियर क्लास में डाल के हम आपका नाम लेके उसे हम एंसर कर देंगे। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जो नहीं आए चैट में करना है। तो आप लोगों ने प्रीमियर क्लास देखा या अभी देखा या बाद में आप लोग देखेंगे, तो जिन लोगों ने देख लिया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं आज हम लोग क्लास समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले प्रीमियर क्लास में, या तो मैथ का होगा या साइंस का होगा, आपको 2-3 घंटे पहले इसकी सूचना मिल जाएगी। लेकिन कब सूचना मिलेगी? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, तभी नोटिफिकेशन आप पे जाएगा, और बेल बटन पे ऑल का ऑप्शन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक सूचना चली जाए कि लाइव क्लास हो रहा है या प्रीमियर क्लास हो रहा है। अभी के परिप्रेक्ष्य में हम जब कोचिंग प्रारंभ कर दिया है, हमने सनराइज कोचिंग पॉइंट भी हम चलाते हैं, तो अभी लाइव क्लास या प्रीमियर अल्टरनेट डे होके आ रहा है। अब कल नहीं होगा, मतलब संडे को नहीं होगा, फिर मंडे को हम 8 बजे शाम में लाइव क्लास करेंगे। धन्यवाद।